अपनी आस्था है ना, इस प्यार को क्या नाम दूं मैं, नए नए तरीके इजाद करती है ताकि उसकी सासू बाई को मिल जाए मान और सम्मान। लेकिन इस बार आस्था और उसकी सासू बाई की खुल गई है पोल। अब क्या करेंगे बाबा और कैसे देगी आस्था बाबा को जवाब, ये तो देखना पड़ेगा। इस बार आस्था और उसकी सासू बाई की खुल गई है पोल। अब क्या करेंगे बाबा और कैसे देगी आस्था बाबा को जवाब, ये तो देखना पड़ेगा। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं मैं खुल गई आस्था और अंजलि की पोल। निरंजन को पता चल गई उनके वृद्ध आश्रम जाने की वजह और अब निरंजन ने चल दी है अपनी नई चाल। वृद्ध आश्रम को बंद कराने का बना लिया है प्लान और इस प्लान की शुरुआत हुई है यहाँ इस कोर्ट नोटिस के आने से। कोर्ट की नोटिस का ये है कि निरंजन को पता चल गया है कि हमने अंजलि के मॉम डैड को वृद्धाश्रम में रखा था, सो नाउ ही इज बिहाइंड वृद्धाश्रम के, किसी तरह उसको खाली करवा दे ताकि वो लोग फिर से रास्ते पे आ जाए। अपनी सासू माँ अंजलि के आई बाबा को आस्था ने आश्रम में रहने की जगह दी, लेकिन जब इस बात का पता उसके ससुर जी को लगा तो अपनी ही पत्नी के आई बाबा को फिर से बेघर करने का कर लिया उन्होंने फैसला। अब इस प्रॉब्लम से आस्था कैसे निपटेंगी, आइए जान लेते हैं। ऐसे टाइम पे श्लोक भी आस्था के साथ नहीं है तो शी इज काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि क्या करे क्या नहीं करे, बट वो जरूर कोई ना कोई जुगाड़ तो कर ही लेगी, ऐसा कुछ होने नहीं देगी। तो राइट नाउ तो मैं भी सोच रही हूँ कि क्या करूँ जिससे वृद्धाश्रम बच जाए। हमें पूरा भरोसा है कि आस्था इस मामले में चुप तो बैठेंगी नहीं, ये कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगी अंजलि और उनके आई बाबा को इंसाफ दिलाने का। लेकिन इस पूरी लड़ाई में अंजलि आस्था का कितना साथ देंगी, ये भी जान लेते हैं। पर मुझे आस्था ये जता रही है कि अगर मैं कोशिश करूंगी तो मैं कुछ भी हासिल कर सकती हूँ, तो मुझे धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि शायद अब तक मेरे साथ जो हो रहा था वो गलत है, मुझे अभी अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए।